फ्रेंड्स, एमसीएससी एकेडमी में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और एंजॉय के साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग जनरल एवं फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट किए थे, उसमें हम लोग कई चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, तो अब आप लोगों को उन सारे चैप्टर्स के सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप लोग आसानी से सॉल्व भी कर पा रहे होंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, आज के क्वेश्चन को लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों के अवक्षेपण की क्रिया क्या कहलाती है? स्कंदन, ब्राउनीगत, एक व दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो कोलाइडी विलयन में जो कोलाइड कण होते हैं वो अवक्षेपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो चलिए बताने की कोशिश कीजिए, क्या हो सकता है कोलाइडी विलयन में, क्या हो सकता है। तो कोलाइडी विलयन, हम लोग बात किए थे कल कोलाइड के बारे में कि कोलाइड जो होते हैं एक प्रकार का विस्मांगी विलयन होते हैं, और जिसमें विलेय कणों का आकार वास्तविक विलयन से बड़ा होता है परंतु निलंबन से छोटा होता है। और कोलाइड में विलेय कणों का आकार 10^-9 मीटर से 10^-7 मीटर के मध्य होता है। और स्टार्च विलयन दूध, स्याही, रबर, साबुन का जल में घोल, टूथपेस्ट, जेली, गोंद, ये सारे जो होते हैं आपके कोलाइड के ही उदाहरण हैं, कोलाइड विलयन के ही एग्जाम्पल हैं। इसका कुछ वर्गीकरण भी हम लोगों ने देखा था और जिसमें हम लोग बात किए थे। तो इसमें जो है आपका कोलाइड विलयन में कोलाइडी कणों के अवक्षेपण की क्रिया क्या कहलाती है? तो कोलाइडी विलयन में जो कोलाइड कणों के अवक्षेपण की क्रिया होती है वो आपका स्कंदन कहलाती है, स्कंदन या उड़न कहलाती है। और इसमें आपका जैसे रुधिर एक ऋणात्मक कोलाइडी विलयन होता है, शरीर में जब किसी स्थान पर चोट लग जाता है, जब खून बहने लगता है, तो उस स्थान पर क्या करते हैं, फेरिक क्लोराइड या फिक्री लगाने से खून का बहना जो है रुक जाता है। और फेरिक क्लोराइड में फेरिक आयन तथा फिटकरी में एल्युमिनियम आयन होते हैं, और ये धनायन रुधिर के ऋणायन कोलाइडी कणों को स्कंदन कर देते हैं, और स्कंदन के फलस्वरूप खून का बहना जो है रुक जाता है। और फलस्वरूप जो अधिक चोट लग जाने पर खून का बहना रोकने के लिए यह विधि जो है प्रभावी नहीं माना गया है। जैसे जब ज़्यादा खून बहने लगे, ज़्यादा चोट लग जाए, ज़्यादा ब्लड निकलने लगे, तो ये स्कंदन विधि उसमें नहीं अपनाई जा सकती है। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के उपचार में फिटकरी का प्रयोग किस प्रक्रिया में मदद के लिए किया जाता है? स्कंदन के लिए, टिंडल प्रभाव, ब्राउनीगत, निलंबन। तो चलिए बताइए कि जल के उपचार में फिटकरी का प्रयोग किस प्रक्रिया में मदद के लिए किया जाता है? तो जल के उपचार के लिए जो है इसमें आपका स्कंदन का प्रयोग किया जाता है, स्कंदन का प्रयोग किया जाता है जल के उपचार में फिटकरी का प्रयोग। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में लटके हुए कोलाइडी कण किस प्रक्रिया से हटाए जा सकते हैं? स्कंदन कर, टिंडल प्रभाव, ब्राउनीगत, निलंबन कर। तो चलिए इसको भी बता दीजिए कि पानी में जो लटके हुए कोलाइडी कण होते हैं उसको कैसे अलग किया जा सकता है। तो कुछ अशुद्ध जल जो होते हैं उसमें धूल और मिट्टी के कण मिले रहते हैं, और अशुद्धियाँ जल में कोलाइडी विलयन के रूप में रहती हैं, और इन्हें दूर करने के लिए जल में फिटकरी मिलाते हैं जिससे कोलाइडी कणों का स्कंदन अर्थात अशुद्धियों का अक्षेपण हो जाता है, और इसे छानकर या निथार कर हम दूर कर सकते हैं। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। पानी में लटके हुए कोलाइडी कण जो होते हैं वो स्कंदन हटाए जा सकते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलाइडी विलयनों के कण सदैव विभिन्न दिशाओं में गति करते रहते हैं जिसे क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव, ब्राउनीगत, एक व दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो कोलाइडी विलयनों के कण जो होते हैं सदैव विभिन्न दिशाओं में गति करते रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो कोलाइडी विलयनों के कण सदैव विभिन्न दिशाओं में या टेढ़े में अनियमित गति करते रहते हैं जिसे हम ब्राउनीगत कहते हैं। ब्राउनीगत जो होती है, किसी कप में जो पानी रखा रहता है तो उसके जो विलयन होते हैं ऐसे करके कुछ इस तरह से गति करते हैं, इस प्रकार का जो गति होता है वो आपका ब्राउनीगत होता है, ब्राउनीगत होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से खाद्य पदार्थ कोलाइडी रूप में पाए जाते हैं? दूध, पनीर, अंडे, उपरयुक्त सभी। तो आपको बताना है इनमें से कौन से पदार्थ हैं जो कोलाइड रूप में पाए जाते हैं। तो अभी हम लोग बात किए कि कोलाइड रूप में खाद्य पदार्थ जो होते हैं सुगमता से पच जाते हैं, और इसमें अनेक खाद्य पदार्थ इसी रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे दूध है, पनीर है, अंडा है, फलों की जेली है, आइसक्रीम है, ये सारे आपके कोलाइड के उदाहरण हैं जो खाने योग्य हैं, खाद्य पदार्थ हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुएं को हानिकारक कणों से मुक्त करने के लिए धुएं में से किन कणों का अवक्षेपण करा दिया जाता है? ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, आर्गन। तो आपको बताना है कि धुएं के जो हानिकारक कण होते हैं उनको मुक्त करने के लिए धुएं में से किन पदार्थों या किन कणों का अवक्षेपण कर दिया जाता है, किन कणों को इसमें हटाया जाता है, तो बताने की कोशिश कीजिए। तो धुएं में जो होते हैं कोयले के छोटे छोटे कणों को दूर करने में, धुआं जो होता है कोलाइडी विलयन होता है जिसमें कोयले के छोटे छोटे कण जो हवा में कोलाइडी कणों के रूप में रहते हैं, और फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं जो होता है वो शहर की वायु को दूषित कर देता है, और धुएं में उपस्थित कार्बन के कण स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, और धुएं को हानिकारक कणों से मुक्त करने के लिए धुएं में से कार्बन कणों का अवक्षेपण करा दिया जाता है। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा, कार्बन जो होते हैं कार्बन कणों का अवक्षेपण कराया जाता है, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल किस प्रकार का विलयन है? बादल किस प्रकार का विलयन है? संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, कोलाइडी विलयन, निलंबन विलयन। तो चलिए इसको भी बता दीजिए। तो बादल भी है कोलाइड विलयन होते हैं। बादल एक प्रकार का कोलाइड विलयन होता है जिसमें जल के आवेश युक्त कण वायु से परिक्षिप्त रहते हैं और वर्षा जल के छोटे छोटे कणों में आपस में मिल जाने के कारण ही होती है। और कुछ वैज्ञानिक जो है कृत्रिम वर्षा कराने में भी सफल रहे हैं। वायुयान से आवेश युक्त रेत बादलों पर गिराने से जल के कोलाइड कण जो होते हैं वे आवेश मुक्त हो जाते हैं और आवेश मुक्त हो जाने के कारण जल के छोटे छोटे कण को विद्युतीय प्रतिकर्षण के कारण पास पास नहीं आ सकते हैं और पास आ जाते हैं तथा वर्षा के रूप में नीचे गिरने लगते हैं। तो आपका इसमें बादल जो है एक प्रकार का कोलाइडी विलयन है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ का संगठन किससे होता है? अणुओं से, परमाणुओं से, एक व दो, दोनों से, ना तो एक ना तो दो। तो चलिए बता दीजिए पदार्थ का संगठन किससे होता है। तो पदार्थ का जो संगठन होता है वो अणुओं से होता है, अणुओं का परमाणुओं से, और परमाणुओं का निर्माण विभिन्न मूल कणों से होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा, पदार्थ का संगठन अणुओं से होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ की संरचना के विषय में सर्वप्रथम किस भारतीय दार्शनिक ने बताया कि द्रव अत्यंत सूक्ष्म व अविभाज्य कणों से मिलकर बने हैं? महर्षि कणाद, रदरफोर्ड, जॉन डाल्टन, थॉमसन। तो बताने की कोशिश कीजिए कि क्या हो सकता है, कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। तो पदार्थ की संरचना के विषय में सर्वप्रथम भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने 800 ईसा पूर्व में बताया था। 800 ईसा पूर्व में महर्षि कणाद ने बताया था। उन्होंने क्या बताया था कि द्रव्य अत्यंत सूक्ष्म व अविभाज्य कणों से मिलकर बने होते हैं और ये सूक्ष्म कण परस्पर मिलकर बड़े कण, द्विआणविक कण और बहुआणविक परमाणविक यौगिक बनाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा, महर्षि कणाद ने सर्वप्रथम पदार्थ की संरचना के विषय में भारतीय दार्शनिक से बताया था कि द्रव अत्यंत सूक्ष्म और अविभाज्य कणों से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस दार्शनिक की कल्पना है कि परमाणु द्रव्य का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है? लूसीपस, डेमोक्रिट्स, एक व दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो आपको बताना है इनमें से किस दार्शनिक की कल्पना है कि परमाणु द्रव्य का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है। तो अभी मैंने बताया पदार्थ की संरचना के विषय में सर्वप्रथम जो भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने 800 ईसा पूर्व में बताया था कि द्रव अत्यंत सूक्ष्म व अविभाज्य कणों से मिलकर बने हैं और ये सूक्ष्म कण परस्पर मिलकर बड़े कण, द्विआणविक तथा बहुआणविक परमाणविक यौगिक बनाते हैं। और ग्रीस के दार्शनिक लूसीपस जो है 475 ईसा पूर्व और डेमोक्रिट्स ने 460 से 370 ईसा पूर्व में यही कल्पना की थी कि परमाणु द्रव्य का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है। और बाद के वैज्ञानिकों ने भी यही बताया है कि सूक्ष्मतम कण परमाणु है जिनके सहयोग से नए पदार्थ बनते हैं और पदार्थ की संरचना के इस अनुमान को परमाणु सिद्धांत कहा जाता है। और परमाणु कोई भी वैज्ञानिक 18वीं शताब्दी के अंत तक इस सूक्ष्म कणों के विषय में कोई स्पष्ट विचार नहीं दे पाया है। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो गया? आपका ऑप्शन नंबर जो है थर्ड जो है राइट हो जाएगा, एक व दो, दोनों। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाल्टन का परमाणुवाद कब आया था? डाल्टन का परमाणुवाद 1945 ईस्वी में, 1804 ईस्वी में, 1835 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में। तो चलिए बता दीजिए कि डाल्टन का जो परमाणुवाद है वो कब आया था, इसका भी आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो डाल्टन का जो परमाणुवाद है वो द्रव्य की संरचना का गहन अध्ययन करने के पश्चात सर्वप्रथम इंग्लैंड के वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने 1804 ईस्वी में द्रव्य की संरचना तथा परमाणु संबंधी एक सुव्यवस्थित विचार प्रस्तुत किया जिसे डाल्टन का परमाणुवाद कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है? ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा, 1804 ईस्वी में डाल्टन का परमाणुवाद आया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अणु को डाल्टन ने क्या नाम दिया था? यौगिक अणु, यौगिक परमाणु, एक व दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो चलिए बताने की कोशिश कीजिए कि अणु को डाल्टन ने क्या नाम दिया था। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो सकता है? तो अणु को डाल्टन ने जो नाम दिया था वो यौगिक परमाणु कहा था। एक ही यौगिक के सभी जो होते हैं यौगिक परमाणु भी समान होते हैं और इन्हें यौगिक परमाणुओं के बाद में अवगाद्रों ने कहा था कि ये अणु है। तो आपका अणु को डाल्टन ने क्या कहा था? तो यौगिक परमाणु कहे थे। डाल्टन ने अणु को यौगिक परमाणु कहे थे और बाद में अवगाद्रों ने इसे अणु कहा था। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ या तत्व अनेक सूक्ष्म कणों से बना होता है जिन्हें क्या कहते हैं? अणु, परमाणु, यौगिक, उपर्युक्त सभी। तो पदार्थ या तत्व जो होते हैं वो अनेक सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस यौगिक परमाणुओं को अवगाद्रों ने अणु कहा? जिनके ऑप्शन है, एक ही यौगिक के सभी यौगिक परमाणु भी समान होते हैं, एक ही यौगिक के सभी यौगिक परमाणु भी असमान होते हैं, और एक व दो, दोनों। तो अभी मैंने आपको बताया
कि एक ही यौगिक के सभी यौगिक परमाणु भी समान होते हैं और इन्हीं यौगिक परमाणुओं को बाद में अवोगाद्रो ने अणु कहा था। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा, फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने डाल्टन के सिद्धांत का खंडन किया था? जे जे थॉम्सन, रदरफोर्ड, एक व दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो इसको भी बताने की कोशिश कीजिए। तो डाल्टन का जो परमाणुवाद था उसका कुछ सिद्धांत था जिसमें पदार्थ या तत्व जो होते हैं अनेक सूक्ष्म कणों से बना होता है जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु तत्व का सूक्ष्मतम कण है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता तथा जो रासायनिक क्रिया के दौरान अपरिवर्तित रहता है। और किसी तत्व के सभी परमाणु भार, आकार व अन्य गुणों में समान होते हैं परंतु अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के भार व गुणों में जो है भिन्नता होती है। दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु पूर्ण संख्या में निश्चित सरल अनुपात में संयुक्त होकर यौगिक परमाणु बनाते रहते हैं और एक ही यौगिक के सभी यौगिक परमाणु भी समान होते हैं। इन्हीं यौगिक को जो है बाद में अवोगाद्रो ने अणु कहा। और परमाणु जो होते हैं ये अविनाशी होते हैं अर्थात इन्हें ना तो बनाया जा सकता ना ही नष्ट किया जा सकता है। और डाल्टन ने द्रव्य की अविनाशिता का नियम जो है सत्य माना था। परमाणु अपनी मूल अवस्था बनाए रखने के लिए इनमें केवल संयोजन, वियोजन, पुनर्व्यवस्थापन की संभावना रखते हैं। तो आपका इसमें क्या बताना था कि किस वैज्ञानिक ने डाल्टन की जो सिद्धांत था उसको अलग किया था? तो डाल्टन के परमाणुवाद के आधार पर हम कह सकते हैं कि परमाणु पदार्थ का वह छोटा सा छोटा अविभाज्य कण है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले लेता है। और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जे जे थॉम्सन ने और रदरफोर्ड ने डाल्टन के सिद्धांत का खंडन किया और प्रयोगों के द्वारा यह सिद्ध किया कि परमाणु जो है विखंडनीय है। इसी आधार पर परमाणु के मूल कणों की अवधारणा सामने आई। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा, एक व दो, दोनों। ओके, जे जे थॉम्सन और रदरफोर्ड दोनों ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु जिन सूक्ष्म कणों से निर्मित होता है उन्हें क्या कहते हैं? मूल कण, कोलाइड कण, निलंबर कण, न्यूट्रिनो कण। परमाणु जिन सूक्ष्म कणों से निर्मित होता है उसे क्या कहते हैं? तो परमाणु जिन सूक्ष्म कणों से निर्मित होता है उन्हें हम मूल कण कहते हैं। परमाणु में दो प्रकार के मूल कण होते हैं, अस्थाई मूल कण और अस्थाई मूल कण। तो आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा, मूल कण। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के मूल कणों में शामिल है अस्थाई मूल कण, अस्थाई मूल कण, एक व दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो अभी इसके बारे में मैंने बताया कि परमाणु जिन सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं उन्हें मूल कण कहते हैं और ये जो होते हैं दो तरह के होते हैं, अस्थाई अस्थाई दोनों होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो जाएगा, एक व दो, दोनों। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कण अस्थाई मूल कण है? इनमें से कौन सा अस्थाई मूल कण है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उपर्युक्त सभी। तो चलिए बताने की कोशिश है मूल कण क्या होते हैं। तो अस्थाई मूल कण जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारे अस्थाई मूल कण हैं। इनका जो अस्तित्व होता है वो दीर्घकालीन व अस्थाई होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसान कण, न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो किन प्रकार के कण हैं? अस्थाई मूल कण, अस्थाई मूल कण, एक व दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो ये किस प्रकार के कण हैं चलिए बताने की कोशिश कीजिए। तो अस्थाई मूल कण जो होते हैं ये परमाणु के अंदर व बाहर क्षणिक अस्तित्व होता है अर्थात ये बनते और नष्ट होते रहते हैं। और सभी प्रकार के जो मेसान कण हैं, न्यूट्रिनो है, पॉजिट्रॉन है, एंटी न्यूट्रिनो, ये सारे परमाणु के जो हैं अस्थाई अस्थाई मूल कण हैं, अस्थाई मूल कण हैं। और स्वतंत्र अवस्था में एक ही अस्थाई जो होते हैं, एक ही अस्थाई रेडियोधर्मी कण भी होते हैं और इनका जो औसत आयु होता है वो 17 मिनट होता है परंतु नाभिक के अंदर प्रोटॉनों के साथ यह अस्थाई नाभिक बनाता है। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु का थॉम्सन मॉडल कब आया? परमाणु का जो थॉम्सन मॉडल था वो कब आया? 1804 ईस्वी में, 1835 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में। तो परमाणु का जो थॉम्सन मॉडल है वो 1904 ईस्वी में आया था। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा, 1904 ईस्वी। ओके तो इस प्रकार आपको सेशन अच्छा लगा होगा और कुछ नई नई चीज़ें जान के आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी वीडियो। तो आप लोग वीडियो को इंटरेस्टिंग तरीके से देखा करें और क्लास को तो बिल्कुल मिस ना किया करें क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और यदि आपको सारे क्वेश्चन लर्न हो गए तो एग्ज़ाम में आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और अभी तक हम लोग काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, काफ़ी सेशन हम लोग देख चुके हैं, काफ़ी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो अब आप लोग को कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए। केमिस्ट्री या बायो किसी दोनों सब्जेक्ट में आप लोग को एकदम अच्छा खासा पकड़ हो जाना चाहिए, कमांड हो जाना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच ऑल फ्रेंड्स।